नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर कर्नाटक चुनाव को लेकर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है, जिस तरीके से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, उससे यही लग रहा है दर्शकों कि बीजेपी पूरी तरीके से चरमरा गई है और बीजेपी का खेल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी खूब जोर लगा रहे हैं अपनी पार्टी को जीत दिलाने में, तो वहीं जो है कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूं कि कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने ऐसा हमला किया क्या, आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार यानी 2 मई को पीएम मोदी के बजरंग बली वाले तंज पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनता के मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि पिछले 3.5 साल में कितना रोजगार पैदा हुआ और इस पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, इसकी बात वो क्यों नहीं करते। जॉब कहाँ है, करप्शन क्यों इतना फैला है, इसकी बात क्यों नहीं करते। मैं उनसे पूछती हैं, अब वो मुझसे इसका जवाब दें। कांग्रेस नेता प्रियंका मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र होसाकोट निर्वाचन क्षेत्र की पार्टी उम्मीदवार शरत बच्चेगौड़ा के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंची थी। यहां उन्होंने रोड शो में भी ये तमाम चीज़ें किया। अब हालांकि जेपी नड्डा, अमित शाह जी और बीजेपी तमाम ताकतें लगा रही हैं, इसके बावजूद अब कांग्रेस क्या जीत पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से विधायक, नेता, पार्टी लगातार खेला कर रहे हैं, उलट पुलट इधर उधर कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर कांग्रेस नहीं बाजी मार पाती है, फिर आने वाले वक्त में उनके लिए परेशानियों का जो एक सबब है वो और भी बढ़ता नजर आ जाएगा। देश दुनिया की बड़ी खबर के लिए देखते रहे स्पिन आई न्यूज़। नमस्कार।